इरफान, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट गाइज। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जस्ट अभी हम ब्रेकफास्ट वगैरह करके फ्री हो गए हैं और अभी कपड़े वगैरह थोड़े बहुत धोने के लिए, और बस यही आज हमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, पतोड़े थे और साथ में भिंडी बनाई थी। और बस अभी थोड़ा बहुत काम करना है, तो मैंने सोचा उससे पहले मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। शुरुआत सुबह सुबह हो जाती है तो अच्छा होता है। अभी मैं सिर्फ कपड़े लेके जा रही थी नीचे। और गाइस, आज हमारे घर पे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, मतलब स्पेशल भी और क्यूट भी। वो तो मैं आपको तभी उनसे मिलवाऊंगी जब वो आ जाएंगे, तो उसकी तैयारी अभी चली हुई है, हमने ऑलमोस्ट कर ही दी है। एक मिनट, ऑलमोस्ट तैयारी कर ही दी है हमने, खाना वगैरह जो बनाना था, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ आधा काम रहेगा, नहीं तो फिर हम इंजॉय कैसे करेंगे, क्योंकि वो गेस्ट हैं इतने स्पेशल और इतने क्यूट कि मतलब थोड़ा बहुत हिंट तो आपको मिल ही जाएगा, बट पहली बार ही मिलोगे आप। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि हमने क्या बना दिया दोपहर के लिए। तो यहाँ पे बनी है आलू वाली करी और साथ में बने हैं राजमा। कौन से राजमा दीदी? पहाड़ी राजमा बनाए हैं हमने, मतलब चनों की तरह ही लगते हैं और ऐसे गोल गोल। हाँ, अलग से देखने में भी। और राइस अभी धो दिए, ये हम बाद में डालेंगे। और यहाँ पे है दीदी। हेलो हेलो। और मम्मी धो रहे हैं यहाँ पे कपड़े। मम्मी, और आज ऐसा मौसम है, बादल वादल कितने अच्छे लग रहे हैं ना। वही सच में कितने अच्छे से दिख रहे हैं। पहले तो सुबह सुबह धूप थी, अब थोड़ा सा ठीक हो गया मौसम। हाँ, तो बारिश से थोड़ा ठंडा हो जाता है तो मज़ा आता है। ऐसे बादल देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो अभी हम काम वगैरह कर लेते हैं, हमें थोड़ा सा काम है, उसके बाद नहाना भी है, टाइम से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो भी आ जाएंगे हमारे स्पेशल गेस्ट, तो हम आपको मिलाएंगे उनसे। तो चलो अभी हम काम वगैरह कर लेते हैं, फिर फ्री होके आप लोगों से मिलेंगे, है ना? ओके, चलो। तो हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं। गाइस, तो हमारे घर एक बहुत ही क्यूट सा बेबी आया था, मतलब इतना प्यारा था, अभी वो 2-3 मंथ का ही था, इतना छोटू सा, मतलब दिखा तो नहीं मैं आपको पाई क्योंकि वो बहुत छोटा है, तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है। और हमने बहुत इन्जॉय किया, 2-3 बजे तक हमने गप्पे मारी, बेबी के साथ खेला, वो सोया ही हुआ था, और उसके बाद खाना वगैरह खाया और ऐसे थोड़ी देर बातें की, फिर वो चले गए थे, उन्हें काम था, और हमने भी खाना खाने के बाद रेस्ट की। और उसके बाद जस्ट फिर अभी फ्रूट्स वगैरह खाया, अभी हम काम वगैरह कर रहे हैं। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि छोटे से बेबी घर में आते थे इतना अच्छा लगता है, अभी तो वो बहुत ही छोटा था, पकड़ने में भी डर लग रहा था, बट बहुत मज़ा आया। भाई तो डैडी, आज डैडी को छुट्टी नहीं थी, नहीं तो डैडी का ऐसे ज़्यादा मन होता कि हाँ मैं भी पकड़ूंगा, मैं भी पकड़ूंगा। वो फ़ोन करके पूछ रहे थे कि कब तक है वो, पर उनको भी काम था, वो तो चले गए। और अभी जो मैंने आपको दिखाया था कि मैं ये बना रही हूँ, तो मैंने सोचा आज है टाइम थोड़ा सा, तो मैं इसको करती हूँ थोड़ा बहुत काम, नहीं तो ये रहता रह ही रहा है हर बार से, तो बस यही लगी हूँ। ये देखना, ये होते हैं पता नहीं कौन सी चीज़ थी जिसके मैंने निकाले थे ऊपर वाले, सब्जी वगैरह कुछ होता है फूल के, जिनके मैं फूल बनाऊंगी। मैं आपको दिखाती हूँ, पेंट करूँगी इनमें, फिर मैं आपको फाइनल दिखाऊंगी कि कैसा क्या होता है। मैंने तो आइडिया लगाया है कि कैसा लगेगा। वैसे तो पर्ल भी लगा सकते हैं ऐसे साइड साइड में, बट मैं फूल लगाऊंगी। चलो अभी मैं कर लेती हूँ ये काम। तो यहाँ पे सारे पेंट ले आई हूँ मैं, देखते हैं अब कैसा कलर अच्छा लगेगा ना फूलों पे। ये हैं वो। मम्मी किस चीज़ के थे? लसूड़े के। हाँ, लसूड़े के ऊपर के थे, उनकी कैप मतलब सुखाई थी, ये ग्रीन कलर के थे, ब्लैक ही हो गए, इन पे कलर करेंगे। और साथ में कानू जी भी बैठे हैं, कानू भी देखेंगे मेरे को पेंट करते हुए, और देखते हैं फिर क्या बनता है, कौन कौन से अच्छे लगेंगे इस पे कलर फूल पे। वैसे फूल तो बहुत सुंदर लगेंगे। तो यहाँ मैंने इनको कलर कर दिया है और ये सूख भी गए हैं, और अब इनको प्रॉपर फूल बनाएंगे। इसमें मैं रेड कर रही हूँ बीच में, बहुत टाइम लगा क्योंकि छोटे छोटे हैं तो ज़्यादा टाइम लग रहा है। जब फाइनल बन जाएंगे फूल तब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को।
कब से चल रहे साथी काम? ये पिछले साल से बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, बिल्कुल आराम से काम करती। हाँ, कोई जल्दी नहीं है मुझे। और यहाँ स्टिचिंग हो रही है। दी, किसका सूट सिल रहे हो? कस्टमर। क्या बना रहे हो? प्लाजो। प्लाजो सूट। सही है। और वहाँ सारा देखो, हमारा स्टिचिंग रूम देखो, खिलारा बड़ा पड़ा है। खिलारा नहीं है तो काम भी है, तो फिर उस हिसाब से तो होता ही है। तो फूल फाइनली रेडी हो गए हैं, इतने टाइम बाद ये काम हो ही गया। कितने प्यारे लग रहे हैं ना, फिर मैं सच में बहुत टाइम लगा, थक गई मैं ऐसे करके। इजी नहीं होता ये वाला काम, छोटे छोटे में ज़्यादा टाइम लगता है डिटेलिंग में। तो अभी बस ये काम हुआ और मतलब आराम से 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं इस काम को। तब तक मम्मी और दी स्टिचिंग कर रहे थे, मैंने ये वाला काम कर लिया, तो थोड़ा अच्छा सा लग रहा है मुझे आज की। हाँ, इतने टाइम बाद हो गया, नहीं तो रखा हुआ ही रह जाना था इसने। और अभी खाना बनाने का टाइम भी हो गया है, क्योंकि अभी तो चलते हैं, फिर ये काम भी हो गया और अभी खाने का देखते हैं क्या बनेगा आज खाने में। अभी मैं बस किचन में जा रही हूँ, देखते अब क्या होता है। थक गई ऐसे काम से, बहुत ऐसे थकान सी हो जाती है, तो फिर करते रहो थोड़ा थोड़ा, तब होता है ऐसे भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट गाइस। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ गाइस। तो मतलब आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे यूट्यूब पे 2K सब्सक्राइबर हो गए हैं कंप्लीट। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थैंक यू एवरीवन इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मेरे भी इतनी बड़ी फैमिली हो जाएगी। मेरे लिए बहुत बड़ी फैमिली है, मतलब 2000 सब्सक्राइबर होना यूट्यूब पे आई थिंक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इजी नहीं है, एक एक सब्सक्राइबर भी ऐसे होता है धीरे धीरे। तो सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स भी अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही है कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो इससे और ज़्यादा मोटिवेशन मेरे को मिल रही है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं सबको ऐसे बता रही थी, घर वाले भी सारे इतने खुश हैं कि हाँ इतने ज़्यादा हो गए गाइस। तो ऐसे ही प्यार देते रहो, फिर मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए ऐसे बनाती रहूँगी। जितना मैं आपका थैंक यू बोलूँ उतना कम है, बट मैं फिर भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपको मेरे चेहरे से पता चल ही रहा होगा। थैंक्स अगेन गाइस, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, प्यार देते रहो, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दिया करो, आपको कैसे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं कैसे सब कुछ बता दिया करो। और कल का ब्लॉग, चलो ये तो बहुत खुशी की बात है, तो थैंक यू तो बोलना बनता ही है। और कल का ब्लॉग कंटिन्यू तो मतलब थोड़ा ही बना था ज़्यादा, क्योंकि हमारे गेस्ट आए थे तो हम बिज़ी हो गए थे एक तरह से, तो फिर आज ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ साथ में, क्योंकि ज़्यादा हुआ नहीं था और काम था। और अभी जस्ट मैं खाना खा के आई हूँ, खाना हमारा हो गया है, और आज बारिश लगी हुई है सुबह से, मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है सुबह से ही। अभी जस्ट खाना खाया है हमने, पर मौसम आज बहुत अच्छा है। और यहाँ पर मेरा काम चला हुआ है सारा, जो मैंने आपको बताया कि वेडिंग हुप्स वाला मुझे बनाना है, मुझे बहुत शौक था। मैं वीडियोस देखती थी पहले कि मुझे बहुत शौक था कि मुझे ऐसे खुद से क्रिएट करना है, तो अब शायद होप्स हो कि आज बन ही जाएगा, होपफुली। थोड़ा सा बचा है और थोड़ा बहुत और काम है, हो जाएगा तो मैं आप लोगों को इसी ब्लॉग में दिखा दूँगी, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट ब्लॉग में तो पक्का मैं दिखा ही दूँगी, क्योंकि मैंने सोच लिया कि मैं इसको ख़त्म करूँगी। बट बहुत खुशी हो रही है इसको भी करते हुए, क्योंकि वहाँ इतनी फैमिली भी कंप्लीट होगी, 2K सब्सक्राइबर मेरे, और यहाँ पे ये काम भी हो रहा है जो बच गया था, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। थैंक यू भगवान जी, एंड थैंक यू एवरीवन। और अभी देखते हैं, बारिश रुकती है तो फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद वेदर बाहर का व्यू दिखाऊंगी। सुबह जब मैं उठी थी तब तो बिल्कुल ऐसे था, फॉग हो रखी थी, बहुत अच्छा मौसम था। आज तो वैसे ही है, अच्छा है पर ठीक है। और चलो अभी मेरे को और थोड़ा बहुत काम है, वो मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी देर बाद। अभी मेरी दो देखो डोरियां बन गई हैं, ऐसी जैसी बनाऊंगी मैं, पर हो रहा है कि मैं सीधा धागा ही डल रहा है, सोच धीरे डाल देना, धागा ज्यादा मोटा है, बहुत जल्दी मोटे वाला धागा है, वो जल्दी डल रहा है।
गाइस तो आज डैडी लेके आए हैं मक्की, तो मम्मी ने भी गर्मा गर्म भुनी और नींबू नमक लगा के हम खा रहे हैं। इतने टाइम बाद खा रहे हैं मक्की। तो बस अभी हम खाना वगैरह खा के फ्री हो गए हैं। मैं अपने रूम आ गई थी और मैंने अभी लगवाई है मेहंदी। कल शूट करना है थोड़ा सा तो मेहंदी लगाई है, क्योंकि एक हाथ में लगी थी तो दूसरे में लगाई, अभी सूखी तो इसका इंतज़ार कर रही थी मैं। अभी तेल वगैरह लगाया हाथ में, तो फिर मुझे याद आया कि मैं ब्लॉग को एंड भी कर लेती हूँ क्योंकि टाइम हो गया सोने का। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और जो मैं बना रही थी, जो मैंने आपको दिखाया था कि प्रोसेस में चला हुआ है काम, वो अभी मतलब ऑलमोस्ट हो ही गया है। मैंने आपको मैं आगे वाले ब्लॉग में दिखा दूँगी पूरा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा काम बच गया है, वो मैं कल कर दूँगी पूरा। तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में वो पक्का मिल जाएगा कि उसका फाइनल कैसा था, कैसा वो बन के आया है, मैंने कैसे कैसे क्या बनाया, मैं पूरा आपको दिखा दूंगी। चलो ठीक है, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।